हेलो यूट्यूब फैमिली मैं ममता सिंह मैं मैटी चलम ममता है संतोष ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड नमस्ते आप लोग कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे उठें और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जो कि दिवाली की सफाई शुरू हो गई है और फिर दिवाली कुछ ही दिन रह गया है तो मैं फ्रेंड मतलब घड़ी में देख सकते हैं इस टाइम आठ बज रहा है आप लोग सामने भी देख सकते हैं तो फिर आज बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं तो मैं सुबह ही मतलब साढ़े चार पाँच बजे उठी ही उठें बच्चे लोग को टिफिन बनाई हूँ तैयार की हूँ उसके बाद बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं तो यहाँ पर मैं अपना जो कि घर की सफाई कर रही थी तो मैं अकेली हूँ और पूरे घर की सफाई हम ही को करना है फिर तो मैं एक घर मतलब दिवाली पर मतलब एक घर रोज़ साफ करती हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे मकड़े के झाले हो गए थे बहुत सारा मतलब एक बार उसको झाड़िए फिर उसके बाद जो कि पोछा लगाइए अच्छे से पोछिए दिवाली ऐसे ऐसा त्यौहार फिर जो कि कोने कोने से गंदगी है उसको बहाल मतलब सफाई अच्छे से हो जाती है दिवाली के फिर ऐसे तो हम लोग डेली साफ करते हैं जो कि हम लोग के घर में जो भी टाड़ा है या जो भी घर है फिर मतलब हम लोग सामान रखते हैं तो अच्छे से आ, मतलब झाड़ू लगाते हैं लेकिन अच्छे से हम लोग उसको झाड़ बटोर नहीं पाते हैं झाड़ू नहीं लगा ते हैं तो दिवाली ऐसी त्यौहार है फ्रेंड्स फिर अच्छे से पूरे घर की सफ़ाई हो जाती है तो देखिए फिर मेरा जो कि छत बहुत ऊपर था और हमसे मतलब मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा था तो यहाँ पर मैं एक लकड़ी के सहायते से पूरे मकड़ी के झाले को मार रही हूँ उसके बाद अच्छे से मैं जो कि पोछा भी लगाना है जो सोफा है सारा सामान है फिर उसको भी अच्छे से साफ करना है तो यहाँ पर देखिए फिर इस तरह से मेरा जो कि दिवाली की जो कि त्यौहार है इसी तरह मतलब सफाई करते करते मतलब त्यौहार आ जाता है और मैं अकेली फिर तो पूरा घर की सफ़ाई हम को करना पड़ता है तो फिर मैं सुबह आठ बजे से लगी हूँ और देख सकते हैं सामने तो पूरे अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ और इस टाइम लाइट भी नहीं है फिर लाइट भी कट गई थी तो यहाँ पर सभी लोग नाश्ता कर लिए और मैं बिल्कुल नाश्ता नहीं की फिर क्योंकि अभी मैं ड्रस भी ही नहीं की हूँ बच्चों लोग को तैयार करने के बाद मैं सफ़ाई में लग गई हूँ क्योंकि दिवाली भी बहुत कम रह गया फिर तो मैंने सोचा कि बच्चे लोग रहेंगे थोड़ा हेल्प होगा लेकिन पढ़ाई अभी इस टाइम चल रहा है तो संडे को रहेंगे फिर तो मैंने सोचा एक घर डेली साफ करूँगी तो दिवाली तक मेरा घर जो कि अच्छे से साफ और क्लीन हो जाएगा तो फ्रेंड्स मैंने सोचा आप लोग को आज दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं दिवाली की सफाई करती हूँ और जो कि पिछला वीडियो आप लोग देखें फिर तो मैं जो कि अपने घर जो दिवाली का त्यौहार फिर आप लोग से भी शेयर की हूँ वीडियो तो फिर देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से सारे घर को अच्छे से साफ कर ली हूँ और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ फिर अच्छे से सारे जो कि फ्रेंड्स अच्छे से पोच रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मिट्टी बैठ गया था तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो कि फ्रें जो कुर्सी मेज है फ्रें हर चीज़ उसको तो अच्छे साफ पानी से अच्छे से मैं पूछ रही हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा इस पर वीडियो भी बना देती हूँ क्योंकि फिर काम करते करते शाम हो जाएगा और मैंने सोचा आप लोग को डेली वीडियो भी देना है और आप लोग मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यारा सपोर्ट देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो फ्रेंड्स इसी तरह अपना प्यार बनाए रखेगा तो मैंने सोचा अपना वीडियो भी शूट कर लेती हूँ घर की सफाई भी कर लेती हूँ तो देखिए फिर यहाँ पर मैं अच्छे से सारे घर को साफ़ कर रही हूँ अभी फेस पर भी मेरे देख सकते हैं फिर इस टाइम बारह बज रहा है क्यों क्योंकि फिर मैं सुबह से लगी हूँ और कोई भी फ्रेंड जैसे ही मैं उठी हूँ मतलब कोई मेकअप या कुछ भी नहीं क्योंकि सफाई करना है तो मैं मेकअप क्या करूँ तो मैंने सोचा अपना वीडियो भी बनाती हूँ और आप लोग को अपना सफ़ाई भी करती हूँ आप लोग घर की सफ़ाई शुरू हो गई कि नहीं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो एक हफ्ता है फ्रेंड्स और दिवाली मतलब आ जाएगा पास में लेकिन सफाई खत्म नहीं होगा तो मैं अच्छे से सारे घर को अच्छे से खिड़की दरवाजे अच्छे से पहुँच रही हूँ फिर और यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं पंखा को भी अच्छे से पहुँच रही हूँ तो फ्रेंड पूरे घर को मतलब मैं आ, मतलब एक रूम एक दिन में मैं साफ करती हूँ और ये है आगे का बालकनी उसको भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि फिर थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन पूरे घर को मतलब साफ करना सारे कपड़े और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे फिर एक रूम के कपड़े बेडशीट चादर बच्चे लोग के कपड़े बहुत सारे हो गए थे आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैं दोनों रूम का पंखा क्लीन कर ली हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ साफ पानी से अच्छे कपड़े से मैं कर रही हूँ और फ्रेंस इतना ऊपर था कि मैं जो कि पंखा मतलब हाथ भी नहीं पहुंच रहा था तो यहाँ पर मैं चो, मतलब चौकी पर चढ़ के फिर जो बिस्तर है उस पर चढ़ के मैं अच्छे सफाई कर रही हूँ और यहाँ पर देखिए फिर जो कलर है अल्ता है वो भी खत्म हो गया था जो सादा कलर होता है फिर रंग उसमें मैं डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आ, मतलब इसको भी रख दे रही हूँ मतलब मैंने सोचा कि आ, मतलब झाड़ू लगाते समय फिर घूम मतलब झाड़ू गंदगी के साथ बाहर चला जाएगा इसीलिए फिर तो इसको भी मैं अच्छे से अलता जो फिर मैं मतलब हमेशा लगाती हूँ उनको बहुत अच्छा कलर करना पैर को बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं वो भी कर रही हूँ और अभी आ, बहुत सारे गंदगी हो गया था फिर और न, क्या बताऊँ मतलब सफ़ाई दिवाली ऐसा त्यौहार फिर आता है तो मैं मेरा हालत भी ख़राब हो जाता है और मैं अकेली हूँ तो पूरे घर को तो पहले साफ़ करना हर चीज़ मतलब कोई और रहता है तो हेल्प भी हो जाता है लेकिन अकेली हूँ फिर इसीलिए तो देखिए सारे घर को अच्छे से साफ करने के बाद पोछा लगाने मतलब सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से पोछने के बाद फिर और यहाँ पर घर को मैं धोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मिट्टी हो गया थे इसीलिए तो ये मेरा रूम है फिर जहाँ पर मतलब ये मेरा रूम है इसमें हम लोग रहते हैं बच्चे लोग भी रहते हैं फिर तो मेरा रूम है तो पहले मैं अपने रूम से ही सफ़ाई शुरू कर रही हूँ और इसके पहले मैं आप लोग को दिखाई भी थी जो कि किचन साफ़ की थी वो भी दिखाई थी तो आज मैं मतलब आ, देख सकते हैं अपने रूम को अच्छे से धुल रही हूँ और दिवाली आ जाएगा फिर उसके बाद एक दिन और मैं धुलूँगी क्योंकि दिवाली के दिन घर का पूजा मतलब लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजा होता है इसलिए तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से धुल रही हूँ और फिर धुलने के बाद भी चलूँगी नीचे जो कि कपड़ा बहुत सारा है साफ़ करना है भूख तो बहुत जोरों से लगी है फिर लेकिन मेरे शरीर में पूरे मिट्टी मिट्टी हो गया था झाड़ू में मतलब जब झाड़ू में लगा रही थी फिर तो इसलिए मैंने सोचा अब नहाने के बाद ही खाऊँगी और फिर इसी तरह हमसे मतलब हमको लेट हो जाता है खा मतलब नाश्ता करने में खाना खाने में इसलिए फिर क्या बताऊँ मेरे फेस पर बारह बजा रहता है तो देखिए फिर कितना सारा मैं कपड़ा लाई हूँ इतना सारा कपड़ा हमको अकेले धुलना है धुलने के बाद भी बर्तन भी रखी हूँ वो भी धो मतलब उसको अच्छे से धोना है तो देखिए फिर इतना सारा कपड़ा धुलूँगी तो करीब हमको एक तो बच जाएगा पक्का है फिर इस टाइम तो दस बज रहा था और सारे कपड़े को धुलना है पानी मतलब भरना है और बर्तन धुल धुलना है तो एक तो बच जाएगा फिर तो यहाँ पर देखिए मैं सारे कपड़े को निरमा में फेंच के रख दूँगी थोड़ा देर तक फिर अच्छे से फूल जाएगा तो साफ़ करने में बहुत आसानी होती है तो यहाँ पर देखिए फिर मेरा दिवाली मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिवाली के भी जो कि सैर कर रही हूँ मतलब किस तरह से सफाई होता है तो सफे सफाई अभियान तो सबके घर से दिवाली से फ्रेंड्स पहले ही चालू हो जाता है तो मैं एक हफ्ता और रह गया फ्रेंड तो मैंने सोचा अपने घर की थोड़ा थोड़ा सफ़ाई करूंगी तो मैं पूरे घर को दिवाली तक सफ़ाई अच्छे से कर लूंगी तो मैं अकेली उठी क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत भी नहीं ठीक चल रहा था तो यहाँ पर देखिए जो मतलब कलर वाला फ्रेंस है कपड़ा उसको अलग रख रही हूँ और जो फ्रेंस देख स चादर है बेड है उसको एक में मैं भिगो रही हूँ तो यहाँ पर फिर इस तरह से मैं करने के बाद और पैर के मदद से उसको फेंच लूँगी क्योंकि मोटा चादर है फिर इसीलिए तो चलिए सारे कपड़े को मैं धुल के डाल दी फिर और इस टाइम एक बज रहा है तो देखिए फिर एक बजे मैं खाली हुई हूँ और मेरे फेस पे बारह तो बज रहा है आप लोग भी देख रहे हैं तो यहाँ पर फिर नहाने नहाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर और यहाँ पर मैं अपने फेस पर क्रीम लगा रही हूँ और उसके बाद मैं हाँ, जो कि बाल में भी अभी कंघी करना बाकी है क्योंकि मैं कल का बाल धो ली थी फिर पूरा बाल मेरा मतलब उलट पुलट हो गया था तो इसमें अभी तेल भी बाल में लगाऊँगी और उसके बाद खाना खाऊँगी तो मतलब डेढ़ तो बच जाएगा फिर हमको खाना खाते समय तो यहाँ पर चलिए फिर मैं फटाफट बाल में कंगी कर लेती हूँ और उसके बाद बाल में तेल भी थोड़ा लगा लेती हूँ उसके बाद फिर खाना खा लेती हूँ तब से बच्चे लोग भी आ जाएंगे तो बच्चे लोग के साथ भी मैं खाना खाऊंगी तो दो तो बज गया फिर देख सकते हैं इसी तरह मेरा फिर दिवाली तक रोटीन इसी तरह चलता रहेगा देर थोड़ा हो जाएगा तो चलिए फिर मैं यहाँ पर बाल में कंगी कर लेती हूँ तो देखिए फिर मेरा मतलब हालत ख़राब हो गया कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था हाथ भी दुख रहा था लेकिन क्या करें करे फिर अकेली हूँ तो सारा घर का काम तो करना पड़ेगा ही और दिवाली ऐसा त्योहार फिर कि घर की पूरी सफाई हो जाती है और अच्छा लगता है तो चलिए फिर मैं घर का सारा काम कर तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लौकी एक फरा हुआ है और ऐसे सब सूख गया है देखिए और अभी का मैं खाली हुई हूँ और मेरा पूरा देह दुख रहा है तो आप लोग को आवाज़ से ही मालूम चल रहा होगा देखिए दोनों बाबू यहाँ पर लौकी तोड़ रहे हैं तो अभी है तीन उस तीन। उस पार बाबु है। पर देखिए बाबू है देखिए यहाँ पर बाबू तोड़ रहे हैं आप क्या कर रहे हो जी तो देखिए कितना नरम है इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है गोल वाले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है देखिए कितना प्यारा लौकी भरा हुआ है तो इसकी सब्जी हुआ और इसका हलवा बहुत ही अच्छा लगता है तो ये गोल आला है फ्रेंड्स, थोड़ा आवाज़ पर मेरे मचेगा, थोड़ा आज मैं काम बहुत ज़्यादा कर दी हूँ इसे मेरा हालत पंचर हो गया है ना जी तुम तो हेल्प नहीं किए हो देखिए हटा हटा के देखो बाबू है तो इसी पर कर दीजिए गुआ उठा के इसी पर कर दीजिए ज्यादा मत कराओ बगल गिर जाओगे ले नो जैसे का पेड़वा सूख जाएगा देखिए अब दोनों बाबू क्या कर रहे हैं मेरा बाबू सबसे अलग जानते हैं किस चीज़ से डर लगता है इसको छिपकली से छिपकली बहुत ज़्यादा डरता है छिपकली से आ चलिए आइए उतरिए आइए क्या दोनों लोग सर्च कर रहे हो पे कुछ तो हम जा रहे हैं तब ठीक है जाने दीजिए हम जा, जा रहे हैं आप नहीं, 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 ले ली। क्या करोगे ले लो हिच हिच जो जो जो, 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 जो <laughs> हिच हिच तो और मैं तेल और इस बारे में मेरा सब चप्पल गया है तो देखिए यहाँ पे दोनों बाबू लौकी तोड़ रहे हैं और इतने दिन पर भी एक भी ही लौकी मिलाई ये एक लौकी फरा हुआ है और सब पेड़ सूख गया है फ्रेंड्स और पकड़ो यार रुको 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 अभी मत उतरिएगा हमको उतर जाने दीजिए तब रुको बाबू तो देखिए फ्रेंड्स शाम हो गया है क्या क्या बनाए हो बाबू देखिए फूल बनाए हैं देखिए अभी अभी एहर से होगा एहर के होगा अब पानी पानी उसमें पानी तो है नहीं पानी तो देखिए मिट्टी मिट्टी खेलते हैं शाम को इन लोग बाबू लोग खेल चाहिए शरीर चाहिए। क्या होता है तंदुरुस्त रहता है ना कि इस किस भगवान किसमें खेलते थे सबसे ज्यादा छोटे थे तो गिलावा में नहीं मिट्टी में, वो, में। <laughs> गिलावा कर रहे गिला हाँ तो तू प्लास्टिक का ढोबल करा कुछ मिट्टी विट्टी करा सक रही देखिए हाँ। ये भी मिट्टी से खेल रहे हैं बड़े वाले बाबू भी और छोटे वाले बाबू भी और तुम लोग को मच्छर नहीं कट रहा है चलिए शाम हो गया चलिए चलते हैं अब मत करो शाम को नहीं खनना चाहिए खेत में देखिए दोनों बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर देखिए मिट्टी मिट्टी खेल के क्या है जी अच्छा जल्दी भरोल भरो चलो छत पर देखिए क्या कर रहे हो अच्छे से फेस को भी दो पानी मेरे ऊपर आ जाएगा बाबू बाल्टी भी धो दीजिए शाम हो गया ना पानी ले लीजिए बाल्टी में इतना काम करते करते पसीना मतलब निकल गया इतना आज काम मतलब दिवाली तक फिर काम ही काम घर पर रहेगा सफ़ाई तो फिर आज मतलब एक बार सफ़ाई करिए फिर सारे बिस्तर है उसको भी फोल्ड करिए फिर दूसरा बिछाइए तो दिवाली तक, तक, तक मतलब तो फिर मतलब डेली तो घर में काम रहता है हाउस वाइफ को लेकिन दिवाली का ऐसा त्यौहार है फिर कि मतलब कोने कोने से जो गंदा है वो मतलब घर से बाहर निकल जाता है और फिर बहुत अच्छे से घर की सफाई भी हो जाती है तो फिर शाम भी होने वाला है पाँच बजने वाला है सुरहान भी अस्त होने वाले हैं और ठंड के समय में फिर शाम को मतलब पाँच बजे ही शाम हो जा रहा है तो आज का अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्यारा क्यारा कमेंट दीजिएगा मिलती हूँ नए वीडियो तब तक बाय बाय थैंक यू ना। नमस्ते